रिज़्दा, एथर का रिज़्दा स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहा है धूम मचाने में। और ये ऑलरेडी लॉन्च तो हो चुका है लेकिन डिलीवरी अभी इसकी स्टार्ट नहीं हुई है। और ये एथर का पहला फैमिली स्कूटर है जो कि यूटिलिटी स्कूटर, जिसे बड़े बूढ़े हर कोई चला सकता है। और इससे पहले एथर के जो स्कूटर आ रहे थे 450X सीरीज, उसमें मोस्टली उन्होंने यंग जनरेशन को टारगेट किया था, और जो कि हर कोई चलाता है, चाहे फीमेल हो, मेल हो, बच्चे हों, हर एज, एक एज के आफ्टर 18 एडल्ट सब चलाते हैं, सब कंफर्टेबल हैं। सो वैसे ही एथर का रिज़्दा स्कूटर एथर के लिए कर सकता है, ऐसी पूरी उम्मीद है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसमें स्पेस, काफ़ी स्पेस है। जो सीट है, लॉन्गेस्ट सीट है, लार्जेस्ट सीट है अपनी कैटेगरी में, और ये 2 एडल्ट इसमें आराम से बैठ सकते हैं। इसके अलावा बीच में सामान भी रख सकते हैं या पीछे भी रख सकते हैं, या बीच में जैसे इंडियन कंडीशंस में है कि 3 लोग भी बैठ जाते हैं, तो उसके लिए आइडल स्कूटर है। इसके अलावा इसकी फ्रंट हेडलाइट काफ़ी अच्छी है, जो कि रिसेंबल करती है TVS iQube को। और काफ़ी सारे फीचर हैं जो कि एथर जाना जाता है नए नए यूनिक फीचर लॉन्च करने के लिए, जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। एक नया फीचर जो है एंटी स्किड है, इसमें स्किड कंट्रोल, बारिश या फिर इंडियन सड़कों में रोड में रेत भी पड़ी रहती है, तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। क्योंकि तो अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, तो काफ़ी क्वालिटी दिख रही है और लुक्स वाइज भी काफ़ी अच्छा। स्टोरेज करीब 34 लीटर का बूट स्पेस होगा और 22 लीटर फ्रंक, जो कि एडिशनल ले गई जहाँ पैर रखते हैं उस साइड में एडिशनल, ये एक्सेसरी है इनकी। लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं वाइल्ड ड्राइविंग, और टो एंड थेफ्ट अलर्ट तो है ये। सो आने वाले समय में एथर की सेल बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। आप, मुझे तो ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।